Okay guys, so let's get started with our today's session. Mute karna aap. So in today's session, you guys are going to understand what is a denial of service. You are going to perform the attacks and you are going to see how we perform prevention of these kind of attacks. Bahut hi common attacks and denial of service आज की डेट में चलते हैं. क्लाउड जैसे सर्वर्स के ऊपर ये अटैक्स आज की डेट में भी हो रहे हैं. दीज आर द अटैक्स विच आर विच हैज द पावर कि वो फेसबुक जैसे गूगल जैसे एप्लीकेशंस को भी डाउन कर सकते हैं. अगर उनके इतने सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं तब जाके वो कहीं टैकल कर पाते हैं ऐसे इश्यूज को. बट स्टिल वो भी दे आर ससेप्टेबल टू दीज काइंड ऑफ अटैक्स. ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है मैं आपको क्विकली बताता हूँ. आपके पास एक सर्वर है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है. एवरी सर्वर एवरी एप्लीकेशन हैज सम नंबर ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, मान लो जैसे कोई एक सर्वर है हम उसके ऊपर 1000 कनेक्शंस बना सकते हैं. एट वन इंस्टेंस ऑफ टाइम 1000 कनेक्शंस 1000 क्लाइंट कनेक्शंस कैन बी मेड टू दैट सर्वर. अगर ये 1000 कनेक्शंस किसी एक इंस्टेंस पे एक्टिव है तो जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा 1001, 1002, 1003, दे विल बी वेटिंग. ठीक है, दे विल बी वेटिंग एंड दे वोंट गेट एक्सेस टू द सर्विस. उसको सर्विस का एक्सेस नहीं मिलेगा. ठीक है, अब क्या होता है अटैकर्स क्या करते हैं ऐसे वेब सर्वर्स को या वेब एप्लीकेशंस को. व्हाट दे डू, दे ट्राई टू सेंड फेक पैकेट्स और जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं. ठीक है, यानी एक अटैकर है उसने अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम ने 1000 कनेक्शंस बनाए फेक कनेक्शंस. अब जो एक्चुअल यूजर है उसको वो सर्विस का एक्सेस नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड है. दैट इज समथिंग नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस. डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि जब कोई लेजिटिमेट यूजर सर्विस को एक्सेस करना चाहता है और उसे उसका एक्सेस ना मिले, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस. ठीक है, मान लो आज तुम एग्जाम देने के लिए लैब में बैठे. ठीक है, कोई मान लो प्लेसमेंट एग्जाम है और जो साइट के ऊपर एग्जाम हो रहा है वो साइट ओपन ही नहीं हो रही. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट आ रहा है बट वो साइट नहीं ओपन हो रही. कई बार तुमने देखा होगा जब रिजल्ट्स आते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के तो कुछ देर के लिए रिजल्ट रिलीज होने के बाद में रिजल्ट ओपन नहीं होता है कुछ देर के लिए, एक घंटा दो घंटा, क्योंकि ऑल द यूजर्स ट्राई टू एक्सेस रिजल्ट एट द सेम टाइम. तो हजारों लाखों कनेक्शंस जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक एक बार वो साइट खोलते हैं तो वो सर्वर की लिमिट ऑक्यूपाई हो जाती है और लोगों को वेट करना पड़ रहा है. वेट एज इन अब दे हैव टू वेट, जब कनेक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे तब जाके वो सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस को देखो, वहां पे बिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं फिर भी वहां पे कोई डिनायल ऑफ सर्विस नहीं है. तो हाउ डू दे मेंटेन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर. जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें क्या टेक केयर करना है कि हम ऐसे अटैक्स को बचा सके. दूसरा, जो अटैकर्स हैं वो ये पावर रखते हैं कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट है जहां पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है तो वो उसको डाउन कर सकते हैं. ठीक है, वो उस साइट को डाउन कर सकते हैं कभी भी. मान लो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुमने उस साइट को ही डाउन कर दिया, तुमने अटैक क्लाउड से चला दिया और क्लाउड दिन भर उसके ऊपर कनेक्शन बनाए पड़ा है तो कोई खोल ही नहीं पाएगा उस साइट को, रिजल्ट ओपन ही नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द थिंग, काफी पावरफुल अटैक है. तो देखो करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट. लेट्स गो फॉर द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस फर्स्ट. ठीक है, पहले ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं एज पर विकिपीडिया व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस. सो यू कैन सी दैट इन कंप्यूटिंग a denial of service attack is a cyber attack in which the perpetrator is an attacker who seeks to make a machine or network resources unavailable to its intended users by temporarily or indefinitely disrupting service of a host connected to internet. मान लो आपके पास यहाँ पे एक टारगेट सर्वर है. ठीक है, यहाँ पे आपकी वेब सर्विस है या एप्लीकेशन है, इंटरनेट के साथ सारी मशीन्स कनेक्टेड हैं. अब हो सकता है एक अटैकर हो, वो अटैकर कॉम्प्रोमाइज्ड पीसीज के थ्रू
कई सारे मल्टीपल कनेक्शंस बना के इस सर्वर टारगेट सर्वर को डाउन कर सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर, ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है और बहुत इजी है। हम अपने लोकल मशीन से भी कर सकते हैं और चाहे तो क्लाउड से भी कर सकते हैं। अगर क्लाउड से करेंगे तो और पावर है, बड़े से बड़े सर्वर्स को आप डाउन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, कई सारे अटैकर्स कम्युनिटी बना के एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम सब अपने अपने मशीन से और जो भी कॉम्प्रोमाइज मशीन थी उन सारी मशीन से बड़े सर्वर को अटैक करने के लिए एक टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस करते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे अटैक्स हैं, तुम देखोगे गूगल पे ऑपरेशन फेसबुक है, ऑपरेशन गूगल है, ऐसे कई सारे अटैक्स हैं जो पहले हो चुके हैं। और एक ग्रुप था अनोनिमस नाम का, ठीक है, तो अनोनिमस नाम का एक ग्रुप था जो कम्युनिटी मिलके किसी भी एप्लीकेशन को डाउन कर देते, ठीक है। तो दे डिक्लेयर द डेड डे कि आज इस एप्लीकेशन का डेड डे, आज हम इसको बंद करते हैं। तो वो क्या करते थे, रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके जहां पे भी सर्वर्स की वल्नरेबिलिटीज होती थी उस अटैक के पीछे, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के पीछे वो अपनी ऐसी रिक्वेस्ट भेजते थे टू स्कैन द सर्वर्स टू आइडेंटिफाई क्या वल्नरेबिलिटीज हैं और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे सर्वर को। तो एक तरफ डिनायल ऑफ सर्विस चलता था, पीछे वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है। तो डिनायल ऑफ सर्विस को मेंटेन करने के लिए उनके डेवलपर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लग जाते थे और वो सारा अपना काम कर पुरा के डेटा निकाल के काम बढ़ा लेते थे आगे, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस, ओपी फेसबुक, ठीक है, ये देखो अनोनिमस वर्सेस फेसबुक, ठीक है। अब ये तो खैर आज की डेट क्या है, मैं काफी पहले का तुम्हें बता रहा हूँ ये कि क्या थे ऑपरेशन फेसबुक और ये इस तरीके से। सो दे यूज टू डिक्लेयर, ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, अभी देखो कुछ दिन पहले मैसेंजर डाउन हो गया था, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन अनोनिमस ने क्लेम किया है कि ठीक है नहीं, ये हमने नहीं किया, ये कोई और अटैकर ग्रुप है, ये हमारा स्टाइल नहीं है ऐसे सर्विसेज को डाउन करने का। बट इस तरीके से होते हैं, फ्यू डेज अगो देयर वाज एन अनाउंसमेंट ऑल ओवर द मीडिया ऑन ट्विटर अबाउट ऑपरेशन फेसबुक एंड अ वीडियो अनाउंसमेंट ऑफ दैट फेसबुक विल बी डिस्ट्रॉयड बाय अनोनिमस ऑन दिस डेट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेसी रेगुलेशंस। सो अनोनिमस ग्रुप क्या है, हैकर्स की कम्युनिटी है। व्हाट दे डू, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कोई नहीं जानता कम्युनिटी कौन चला रहा है, कौन अटैकर्स हैं उसके अंदर, nobody knows, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी है और इस तरीके से वो ऑपरेशंस बनाती है और एक टाइम पे अटैक परफॉर्म करते हैं सर्वर्स के ऊपर और फेसबुक जैसे बड़े बड़े सर्वर्स को भी वो चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो काफी खतरनाक लेवल के अटैक्स होते हैं, पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से होते थे, आयन कैनन वगैरह कई सारे टूल्स थे, अब तो खैर ओपन सोर्स हो गया है सब कुछ, तो आप देख सकते हैं। बताऊंगा मैं, आई टेल यू, ठीक है, देखना आज जाके इंटरनेट वगैरह पे सर्च करना ऑपरेशन फेसबुक इस तरीके से। नहीं नहीं सब ज्वाइन कर, हाँ आईसीएस के ऊपर भी है बहुत सारे, हर जहां पे भी उनको लगता है कि कुछ इलीगल हुआ है या इंटरनेट की प्राइवेसी इंट्रूड करने की कोशिश की गई है तो दे अटैक दैट सर्वर्स, ठीक है। जैसे मान लो फेसबुक अगर आपके डेटा पायरेसी या प्राइवेसी इश्यूज को आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, तो दिस ग्रुप हैज दैट पावर, कम्युनिटी इतना स्ट्रांग है कि वो ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी चैलेंज करके ड्रॉप कर देते हैं कि ठीक है हम जज है, हम बंद कर देंगे, तो कर लो डेटा, ले लो कैसे कर लो, ये वाली बात है। तो उनको कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, दे जस्ट अटैक, ठीक है। तो ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत सारे हैं, देखना तुम्हें मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें, ऐसी फोटोज लगा के उनकी प्रोफाइल पे रहती है, ये अनोनिमस का लोगो है, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यू विल, आई होप यू लाइक इट जब देखोगे, ठीक है। चलो अभी हम क्या चलते हैं, ये तुम यस यस डिनायल ऑफ सर्विस करते हैं,
ओपी फेसबुक एम आई आई आर सी ऐसा भी ढूंढ सकते हो, आई आर सी चैनल्स फॉर ऑपरेशन फेसबुक, ठीक है ये है। नहीं उससे कोई क्या करेगा, सारे कोई एक जगह थोड़ी बैठे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अटैकर्स हैं, अपने अपने मशीन से करते हैं अटैक, अपने अपनी कॉम्प्रोमाइज मशीन से। फेसबुक का एम्प्लॉय जाकर थोड़ी उनको रोक सकता है, फेसबुक के एम्प्लॉय को बस ये पता चल रहा है हाँ होने वाला है अटैक, वो तो उससे पहले डिक्लेयर कर देते हैं महीने पहले कि इस तारीख को हम बंद कर देंगे फेसबुक। हाँ पता ही है, वो तो खुद ही अटैकर्स खुद ही बता देते 2 महीने पहले कि हम इस तारीख को बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी अटैक करके बताते हैं, 2 महीने पहले ही बता देंगे कि इस तारीख को हम बंद कर देंगे फेसबुक, काइंड ऑफ दैट। डिनायल ऑफ सर्विस एवरीबॉडी नोस, इतने सारे कनेक्शंस फेक कनेक्शंस बनाएंगे आप, ढूंढ लो कौन सा सही है कौन सा लेजिटिमेट है, किसको किसको रोकोगे। मान लो तुम फेसबुक खोलना चाह रहे हो, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ओरिजिनल रिक्वेस्ट आई है या मैंने फेक रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक को ओपन करने के। तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, मशीन लर्निंग अभी आज के इट इज ट्राइंग, इट हैज द पावर टू डिटेक्ट व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स आर हैपनिंग। ठीक है बताऊंगा दिखाऊंगा क्या कैसे होती है इनकी प्रिवेंशन टेक्निक्स। ठीक है यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यू डॉन है देख सकते हो, ऑपरेशन फेसबुक के बहुत सारे हैं, ओपी फेसबुक ये खुद ही एक चैनल है आईआरसी के ऊपर ऑपरेशन फेसबुक, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्हें, मजा आएगा आपको। ठीक है नाउ लेट्स सी, सो समझ में आ गया, ये होता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो ये क्या है, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक द इनकमिंग ट्रैफिक फ्लडिंग द विक्टिम Originates from many different sources. ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू they try to perform the attack. This effectively makes it impossible to stop the attack simply by blocking a single source. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अपनी एक मशीन से अटैक को मतलब उस पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है भाई अगर एक आईपी इसको रोक दो, ठीक है, लेकिन अगर सिंगल सोर्स से अगर अटैक आ रहा है तो उसको फिर भी डिफेंड करना ईजी है, बट अगर मल्टीपल कंट्रीज से पूरी कम्युनिटी ऑफ हैकर्स अगर फेक जनरेट करें तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ठीक है समझ लो मेरे को। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस और भी बहुत तरीकों से लोग करते हैं, जैसे यूट्यूब है, किसी को मिलियन व्यूज चाहिए अपने वीडियो के ऊपर, डॉस कर देगा, मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, किसी को अपनी साइट पर दिखाना है कि ओ माई गॉड मिलियंस ऑफ पीपल आर हिटिंग और एक्सेसिंग अवर वेबसाइट एवरी डे, डॉस कर देगा, दिखा देगा ओ मिलियन यूजर्स इज डिड, काइंड ऑफ दैट कोई भी शो ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो YouTube के पास एंड काउंटर करेंगे और उस काउंटर के भी डी काउंटर्स हैं, तो ये तो वो वाला गेम है ना, टेक्नोलॉजी है। हाँ अब तुम एक आज अटैक हुआ उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा, तब तक दूसरा अटैक ढूंढ रहे हैं, ये वाली चीज, ठीक है। हैकिंग और सिक्योरिटी ये वाइस वर्सा है, आज हैक हुआ कल उसका सिक्योर आ जाएगा, फिर परसों हैक होगा फिर उसकी सिक्योरिटी आएगी, मतलब सिक्योरिटी पहले नहीं आती, ठीक है। और ये जो अटैकर्स हैं ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं, बहुत बार इन्हीं के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, गूगल के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फेसबुक के ऊपर अटैक करते हैं, फेसबुक वाले कहीं और करते हैं, चाइना के अटैकर्स गूगल के ऊपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजिस्ट है, बात समझ, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है वही तो अटैक करेगा, हैकर कहीं पढ़ के थोड़ी बनता है, जो टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसको प्रोटोकॉल पता है, जिसने खुद प्रोटोकॉल बनाया है कि यार ये एक्स वाई जेड तरीके से काम कर रहा है, उसे पता है वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है, समझ रहे हो मेरे को। तो जो क्रिएटर्स हैं वही डिस्ट्रॉयर्स भी, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सो मेनी पीपल, अटैक्स आज की डेट में बड़े कॉमन है, कोई कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली किसकी होनी चाहिए, कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो भी एप्लीकेशंस है वो सिक्योर होनी चाहिए, एप्लीकेशन डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप इट प्रोटेक्टेड आल्सो। सिमिलरली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिक्योरिटी टीम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए और वो उन्हें सिक्योर भी कर सके, ठीक है, पेनिट्रेट करके देख सके, सिक्योर करके देख सके। इसके आज के डेट में सिक्योरिटी बहुत ही डिमांड में है, एंड वॉट पीपल आर सीकिंग कि अगर आप एप्लीकेशन डिजाइनर हैं
और आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी हैं तो आप बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिक्योरिटी सीख के काम हो जाएगा या वेब एप्लीकेशन सीख के काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यू हैव टू हैव द कॉम्बिनेशन स्किल्स, तब जाके इंडस्ट्री में वैल्यू बनेगी, ठीक है. चलो अब देखो, अब इसको अटैक करते हैं. So now we are going to perform a distributed denial of service attack, and as the diagram displays, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है. अब distributed denial of service की भी या denial of service के भी बहुत सारे attacks, ठीक है, different types of attacks are possible. हम send request से flood कर सकते हैं, ठीक है, हम send ACK से flood कर सकते हैं, CC attack हो सकता है, HTTP post attacks कर सकते हैं, HTTP GET attacks कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे attack formats. तो अभी हम देखेंगे कि हम रेगुलर गेट पोस्ट रिक्वेस्ट से करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन अटैक है, HTTP पोस्ट अटैक, ठीक है, ये वाला. हम क्योंकि जब भी हम, ये वेब वाले बच्चे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, जब भी हम कोई रिसोर्स एक्सेस करते हैं, या तो हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है. अब पोस्ट रिक्वेस्ट एक्चुअल रिसोर्स से आ रही है, एक्चुअल सोर्स से आ रही है, या किसी अटैकर सोर्स से आ रही है, कैसे हम पता लगे? अब वहां पे कोई प्रिवेंशन तो नहीं, वहां रोक तो सकते नहीं कि नहीं हम तुझे एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमें उसी पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा रिसीव करना है, प्रोसेस करना और आउटपुट देना है. दिस इज द थिंग, ठीक है. तो बहुत ही कॉमन टाइप का अटैक है. लेट्स सी, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे. सो टू डू दैट यू आर गोइंग टू डाउनलोड HTTP DOS अटैक टूल. HTTP DOS अटैक टूल ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का टूल है, ठीक है, OWASP HTTP पोस्ट टूल. ऐसे बहुत सारे हैं, काली लिनक्स के अंदर भी है, ठीक है, LOIC है, लो ऑर्बिट आयन कैनन कहते हैं, ठीक है, पहले का काफी फेमस है, ठीक है, स्लो लॉरिस है, कई सारे हैं ऐसे टूल्स जो डिनायल ऑफ सर्विस करते हैं. बट मैं तुम्हें HTTP DOS क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये ओपन सोर्स, तुम उस कोड को समझ सकते हो कि कैसे रिक्वेस्ट जा रही हैं, कैसे रैंडम नंबर ऑफ पैकेट्स हम जनरेट करवा रहे हैं. यू कैन यूज इट एज अ प्रोजेक्ट आल्सो, ठीक है. नाउ लेट्स सी, सो वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो टू HTTP DOS टूल. यहां पे इसका प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा, एक बार मैं देखता हूं कहां पे. हियर वी आर इन द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट हैंडबुक, OWASP GitHub, ठीक है. यहां पे बहुत सारे वेब सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट टूल्स हैं. लेट्स गो टू गूगल. ठीक है, ये देखो स्लो लॉरिस है एक, ये भी अच्छा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम HTTP DOS यूज करेंगे. लगता है इन्होंने साइट थोड़ी चेंज की है, कंट्रोल ऑफ डाउनलोड. ZAP Docker Top 10. ठीक है, मैं तुम्हें एक zip फाइल दे रहा हूं, यहां से डाउनलोड कर लीजिए. samsclass.info एक बहुत अच्छी वेबसाइट है टू लर्न हैकिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. प्रैक्टिकली वहां पे ट्यूटोरियल्स हैं, टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स के साथ में है, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है. आई हैव यूज्ड इट इन 2013-14, बहुत सारे अच्छे अच्छे अटैक्स मैंने वहां से पढ़े हैं, ठीक है. samsclass.info वेबसाइट है. सो यू कैन डाउनलोड HTTP DOS टूल फ्रॉम दिस वेबसाइट ओनली, एंड a website reference
for learning cool cybersecurity attacks practically. ठीक है, samsclass.info काफी अच्छी वेबसाइट है. एक और वेबसाइट बहुत बढ़िया है, आयरन गीक्स. ठीक है, आई जस्ट शो यू दैट. ये एक्चुअली वर्ल्ड लेवल के हैकर्स हैं जिन्होंने काली लिनक्स जैसे ओएस बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं. ठीक है, आयरन गीक ये भी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, irongeek.com. यू कैन रेफर दीज वेबसाइट्स, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल. ठीक है, रेफरेंसेस लिख रहा हूँ तो बाकी और भी लिख लेता हूँ. ठीक है, आयरन गीक हो गया, सैम्स क्लास इन्फो हो गया, एक ब्लैक हैट की वीडियोज तुम देख सकते हो, डेफकॉन की वीडियोज देख सकते हो. ठीक है, डेफकॉन ब्लैक हैट की वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे आती हैं, वो बहुत ही जबरदस्त वीडियोज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छी थी, सैम्स क्लास हो गया, आयरन गीक हो गया, डेफकॉन हो गया. ठीक है, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की बहुत अच्छी अच्छी हैं, डर्बीकॉन की बहुत अच्छी वीडियोस हैं. ठीक है, सो बाकी खैर चलो मैं बताता चलूंगा कौन कौन से हैं, अभी आप इसे खैर डाउनलोड कर लीजिए पहले. अच्छा हाँ, ब्लैक हैट अकेडमी, ठीक है, ब्लैक हैट अकेडमी यहाँ पे एक ऑथर है ब्लैक हैट अकेडमी के नाम से, इन्होंने भी काफी आर्टिकल्स यहाँ पे डाल रखे हैं. मेरे ख्याल से वो है सिक्योरिटी 101, इंफोटेक इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, सिक्योरिटी 101 कॉमर्शियल सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी 101 करियर. नहीं ये नहीं है ब्लैक हैट सिक्योरिटी. ठीक है चलो, इसका खैर मैं बता दूंगा तुम्हें कहाँ पे है उसकी एक्चुअल वेबसाइट, देखनी पड़ेगी एक बार मेरे को, तब डार्क वेब से देख के लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो ये दो हैं, ये काफी जबरदस्त हैं, इनको खैर पहले आप यूज कर सकते हैं. तो अभी आप एक काम करेंगे, जस्ट डाउनलोड http://dostool4.0.zip इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, http://dostool4.0.zip. ठीक है, हम एक अटैक परफॉर्म करेंगे, पहले कुछ गेट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने सर्वर टेस्ट करने के लिए. पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है तो कैसा होगा बैक साइड में. ठीक है, सिमिलरली यू ऑल हैव टू टर्न ऑन योर पुटी एमएसआई काली सर्वर ऑन, अपना अपना पुटी सर्वर ऑन करें ताकि पहले आपको पता लग जाए फंडामेंटली कि जो भी अटैक आ रहा है सर्वर साइड पे हाउ इट लुक्स लाइक. जब तुम्हें पता होगा कि अटैक कैसा है, क्या आ रहा है, तब जाके तुम समझ पाओगे सिक्योर करना कैसे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, सो आई एम गोइंग टू लोड माय एमएसआई काली सर्वर, लेट अस चेंज द अपीयरेंस टू 20, क्लिक ऑन ओके, ओपन अ कनेक्शन. ओके, सो दिस इज योर AWS सर्वर. ठीक है, सो मेरे पास एक AWS सर्वर है, लेट्स से आई विल कीप इट ऑन वन साइड. एक तरफ AWS सर्वर को रखेंगे, एक तरफ हम अपना अटैक रखेंगे.
So you have got that HTTP DOS tool downloaded. Open the folder, right click and extract HTTP DOS tool. Okay. Apne zip file ko extract kar lijiye. Now once you guys have extracted this tool, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी होगी स्विच ब्लेड 4.0 के नाम से. गो इन टू द स्विच ब्लेड डायरेक्टरी. अब यहाँ देखो ये सब DLL फाइल्स हैं, पाइथन की फाइल्स हैं. तो ये टूल ना कॉम्बिनेशन से बना है. सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं नेटवर्क की, पाइथन के साथ में उसके कमांड के इंटरफेसेस हैं, GUI बना हुआ है उसका जावा के अंदर. कॉम्बिनेशन में कई लैंग्वेजेस को यूज करके एक बेहतर प्रोडक्ट बन पाता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज से सब कुछ बनाना है. जो जिसमें मास्टर है वो उस चीज को यूटिलाइज करके बाद में इंटीग्रेशन हो जाती है. और मैंने तुम्हें ये सारी फाइल्स को खोला बताया हुआ है. तुम DLL फाइल्स को भी डिबग कर सकते हो, एग्जीक्यूटेबल्स को भी खोल सकते हो. ठीक है, यू कैन सी द सोर्स कोड ऑफ एनी ऑफ दिस, दो इट इज ओपन सोर्स. ठीक है, सो वी हैव टू टर्न दिस एप्लीकेशन ऑन. GUI.exe ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, प्लस यू कैन रन इट फ्रॉम कमांड लाइन ऑल्सो. You can use http.cli.exe. This is a command line version of this denial of service tool. Okay. Let's right click and run as administrator. Okay. So when you run, you get a tool like this. And I'll do one more thing. Main apni site ko bhi open karunga. So there will be two things, the back end view of the server, the front end view of the server, and the attacker's view. Okay, on one end side we'll have the attacker's view also. तो आपके सामने क्या है, एक साइड पे सर्वर है ऑन द राइट हैंड साइड. यहां पे हम सर्वर का फ्रंट एंड देखेंगे. ठीक है, सो आईपी एड्रेस ऑफ माय वेब सर्वर इज, लेट मी जस्ट टेल यू द अटैकर सर्वर एट द मोमेंट कौन सा है. दिस इज 13.232.50.238. ठीक है, आईपी एड्रेस इज 13.232.50.238. ठीक है, जिस सर्वर पे अटैक होगा. ठीक है, अभी आप किसी भी साइट पे कर सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि होता क्या है. टेक्निकली आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी चला किसी भी साइट पे सकते. टर्न डाउन एनी साइट. मैं कॉलेज की साइट पे टेस्ट कर लेना. क्या है अभी हमारे सामने, हमारे पास एक व्यू है जिसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द अटैकर्स व्यू, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द विक्टिम्स व्यू. ये एक वेबसाइट है ऑन द सर्वर 13.232.50.238. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये उसका बैकएंड व्यू है, खाली लिनक्स सर्वर. हम यहाँ से इस साइट को मैनेज कर सकते हैं, पोर्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिक्योरिटी. ये हमारा अटैकर्स व्यू है. ठीक है, अब हमें करना क्या है, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम अटैक्स ऑन दिस सर्वर. इस सर्वर पे हम कुछ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स परफॉर्म करेंगे. ठीक है, दो व्यूज में हम देखेंगे. पहले एक लोड व्यू देखते हैं कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को कमांड लाइन पे एक टूल है. लेट मी जस्ट क्विकली चेक क्या नाम था उस टूल का. आई जस्ट नीड टू चेक लिनक्स कमांड लाइन टूल टू व्यू इनकमिंग ट्रैफिक. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कई सारे टूल्स हैं. वैसे यहाँ पे एक मैंने पहले एक यूज किया था, बड़ा जबरदस्त
व्यू था उसका. Okay, hold on for a minute. Monitrix, ये भी सही दिखा. Okay, शांति बनाए रखिए. हाँ ये स्पीडोमीटर, ठीक है. यू हैव टू डाउनलोड दिस टूल स्पीडोमीटर. इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले स्पीडोमीटर इंस्टॉल करना है. देयर इज अ टूल स्पीडोमीटर. मैं इस यूआरएल को भेज रहा हूँ. देयर आर मेनी टूल्स विच यू कैन यूज बट आई लाइक स्पीडोमीटर क्योंकि कमांड लाइन पर उसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है. डाउनलोड अ नेटवर्क बैंडविड्थ मॉनिटरिंग टूल, ठीक है. एंड वी आर यूजिंग स्पीडोमीटर. ठीक है, हम स्पीडोमीटर यूज करेंगे. काफी बढ़िया टूल है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं. स्पीडोमीटर इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी. sudo apt get install स्पीडोमीटर, ये आपकी कमांड है. ये आपको लिनक्स सर्वर पे रन करनी है. नहीं, एक साथ है स्पीडोमीटर. ओके, सो जस्ट राइट द कमांड sudo apt get install speedometer. So on your Kali Linux server, you can install speedometer. Speedometer अभी क्यों install कर रहा हूँ? देखने के लिए. जब traffic आएगा, तो how it will look, ठीक है, server side पे. कि कितना load पहले आ रहा था, when we were not executing the attack. जब हम execute करेंगे attack को, तो कैसा bandwidth हो जाएगा, कैसा network हो जाएगा. फिर जब हम स्टॉप करेंगे अटैक को तो क्या होगा, फिजिकल व्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बैकएंड व्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. जब हम अपनी सिक्योरिटी इनेबल कर लेंगे तो फिर व्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. वी हैव टू मॉनिटर ऑल दीस. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. sudo apt get install स्पीडोमीटर. सो इट इज आस्किंग 978 KB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा. प्रेस Y टू एग्री एंड इंस्टॉल दिस टूल. Okay. कमांड पता है सभी को, sudo apt get install speedometer. इंस्टॉल हो गया हमारा टूल स्पीडोमीटर. नाउ टू स्टार्ट द स्पीडोमीटर टूल यू हैव दिस कमांड स्पीडोमीटर -R ETH0 -T ETH0. इसका मतलब क्या है, आप स्पीडोमीटर रन करोगे, रिसीविंग द पैकेट्स ऑन इथरनेट जीरो इंटरफेस, ट्रांसमिटिंग द पैकेट्स फ्रॉम इथरनेट इंटरफेस. तो दोनों ही इंटरफेसेस को हम रिसीविंग पैकेट्स को भी हम देखेंगे और जो रिस्पॉन्सेस जा रहे हैं यानी जो ट्रांसमिशन हो रहा है पैकेट्स का उसे भी हम देखेंगे. पहली बार हाउसफुल हुई है क्लास, फर्स्ट टाइम. अब हो जाओ, ओके, ठीक है, चलो. सो नाउ हियर, सो यू आर गोइंग टू कॉल स्पीडोमीटर. रिसीव करोगे इथरनेट इंटरफेस के ऊपर पैकेट्स और जो पैकेट ट्रांसमिट होंगे इथरनेट जीरो से यानी जो रिस्पॉन्सेस जाएंगे उस डिनायल सर्विस अटैक के लिए, वो सारे रिसीविंग पैकेट्स एंड ट्रांसमिशन पैकेट्स दोनों हमें यहाँ पे दिखाई दे. Now let's see. So let's start this. Okay.
So to start speedometer, you guys are going to do something like this. Speedometer hyphen R ETH zero interface hyphen T ETH zero interface. ये ETH zero के बारे में cyber security वाले बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि IP configuration जब हम virtual machine के अंदर कर रहे थे, तो IF config हमने check किया था कि कितने network interfaces हैं, तो ETH zero was the first interface, ठीक है? और जो अभी आप ये virtual machine use कर रहे हैं cloud के ऊपर, इसमें भी जो network interface card है वो ethernet network interface card के through packets को transmit या receive करता है. अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने ETH0 क्यों लिखा है, तो मैं बता देता हूं. अगर आप IF config command execute करेंगे, this is similar to IP configuration command in Windows, ठीक है? अगर आप इसे run करोगे, तो अभी आपको first line पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक interface है, ETH0 interface. कौन सा interface है? ETH0. ये ETH0 interface के ऊपर आपको एक IP address मिला हुआ है, 172.31.12.192. तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके थ्रू आप वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं. अब इसी इथरनेट जीरो इंटरफेस के ऊपर जो पैकेट्स रिसीव होंगे, जो पैकेट ट्रांसमिट होंगे, वो मुझे कैप्चर करना है, ठीक है? बात क्लियर है? नाउ लेट्स सी. सो मैंने क्लियर किया, लेट्स डू स्पीडोमीटर रिसीव ऑन ETH0 इंटरफेस एंड द पैकेट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ETH0 इंटरफेस, ठीक है? रन किया हमने. अब देखो, अब एट द वेरी बॉटम स्पीडोमीटर 2.8 हैज बीन रनिंग. दोबारा लिखने की जरूरत है कमांड? लिख लिया आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट स्पीडोमीटर रनिंग? 1 2 वेरी नाइस, ग्रेट. अब देखो, अभी यहां पे क्या कनेक्शन, अभी क्या चल रहा है स्पीडोमीटर में? ऊपर आपके पास रिसीविंग पैक, ऊपर आपके पास ट्रांसमिशन है, नीचे ऊपर रिसीवर्स हैं, नीचे ट्रांसमीटर्स हैं. ETH 0 168 bytes, RX ETH 0, ठीक है? ठीक है, ऊपर वाले आपके जो पैकेट्स हैं वो है जो आप रिक्वेस्ट रिसीव करोगे, और जो नीचे से जाएंगे वो है आपके ट्रांसमिशन पैकेट्स, ठीक है? अभी देखो, सर्वर के ऊपर कोई लोड नहीं, एट द मोमेंट देयर इज नो लोड ऑन द सर्वर. कितने बिट्स के ऊपर पैकेट ट्रांसमिशन रिसीव हो रहे हैं? 1 KB. कोई छोटे मोटे रिक्वेस्ट, छोटे मोटे रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है? अब आप लोगों को एक काम करना है, पहले आप लोग अपने अपने ब्राउजर पे जाके, ठीक है, एक बार इस साइट को ओपन कीजिए, 13.232.50.238. एक बार सभी लोग एक साथ ओपन करो. अभी देखो, यहाँ पे ना आपके पैकेट की रिक्वेस्ट बढ़ेगी. जैसे कई लोग एक्सेस करेंगे इस साइट को, गो टू द ब्राउजर एंड ओपन 13.232. ठीक है, अभी यहां देखो जैसे खुलनी शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक बढ़ रहा है. Can you see that? ये ब्लू कलर का डेटा पहले बिल्कुल ब्लैंक था, there was no request. अब people are trying to connect and around 7.94 kb of request is going, और नीचे से ना ट्रांसमिशन हो रहा है पैकेट्स का. ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ऊपर आपके पास रिसीवर पैकेट्स हैं, इन रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं वो आपको नीचे दिखाई दे रहे, ठीक है? समझ में आ गया? अब बंद कर दो वो ब्राउजर जिसमें आप लोगों ने ये साइट ओपन किया था, 13.232.50.238. बंद कर, बंद कर लोगे दोबारा नेटवर्क रेगुलर कंडीशन पे आ जाए, ठीक है? खाली, देयर आर नो रिक्वेस्ट कमिंग, देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट. RX का मतलब है ईथरनेट जीरो पे जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, और TX का मतलब है ईथरनेट के ऊपर उस रिक्वेस्ट का जो हमने रिस्पॉन्स भेजा है. ये दोनों ही पैकेट्स को अभी हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब आपको करना क्या है, नाउ नाउ यू आर गोइंग, यू गाइस आर गोइंग टू परफॉर्म द अटैक ऑन दिस सर्वर, ठीक है? अटैक कैसे परफॉर्म करना? मैं एक स्लो हेडर आप अटैक कर सकते हैं, स्लो पोस्ट आप अटैक कर सकते हैं, दोनों ले सकते हो. हेडर्स का मतलब सिर्फ गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? और स्लो पोस्ट का मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? तो हम अभी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं. लेट्स से आई एम गोइंग टू चेंज माय यूआरएल फ्रॉम एचटीटीपी लोकल होस्ट टू, यूआरएल मैंने चेंज कर दिया 13.232.50.238. अब ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है?
अभी आप सभी लोग इसी पे अटैक करोगे, ठीक है? देखेंगे हम अटैक करना, परफॉर्म करेंगे जब मैं बताऊंगा तब। अब आपको क्या करना है, मैंने यहां से कहा कि मैं इस लोकल मशीन से अराउंड 400 कनेक्शंस बनाऊंगा, बट 400 क्यों? 40,000 भेजता हूं ना कनेक्शन, आई विल से 40,000 कनेक्शन आई एम गोइंग टू मेक, ठीक है? कनेक्शन रेट क्या होगा? मैं कहता हूं कि एक बार में 1,000 कनेक्शन तो कम से कम बनेंगे, ठीक है? कनेक्शन का टाइम आउट क्या होगा? 1,000 सेकंड के बाद में वो कनेक्शन टर्मिनेट होगा, यानी जो कनेक्शन बनेगा 1,000 सेकंड तक बना रहेगा, ठीक है? और नीचे किस यूजर एजेंट से जाएगा ये दिखाएगा कि ठीक है किसी मोज़िला ब्राउज़र से आ रहा है, तो आप ये यूजर एजेंट चेंज कर सकते हो, क्रोम का डाल सकते हो, मैक का डाल सकते हो, सफारी का डाल सकते हो, एनीथिंग, एनी यूजर एजेंट यू कैन पुश। अगर यूजर एजेंट गड़बड़ होगा तो अपने आप ही सर्वर को पता लग जाएगा कि गड़बड़ रिक्वेस्ट है, इसको ब्लॉक करो, ठीक है? तो ऑथेंटिक जितना होगा उतना अच्छा है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अभी देखो सर्वर कंडीशन एट द मोमेंट क्या है, लेट अस ऑल स्टार्ट द अटैक। अब इस अटैक को परफॉर्म करना शुरू कीजिए, रन अटैक कीजिए। अब देखो धड़ाधड़ पैकेट जा रहे हैं, 40,000 कनेक्शंस। यहां देखो अभी डेटा बहुत बुरी तरीके से फिल हो जाएगा, पहले कुछ भी कनेक्शन है ना आप सब भी भेजो करो, रन अटैक करो। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग हियर, टारगेट को मैंने 40,000 पैकेट भेजे हैं, अभी 4,000 कनेक्शंस कुछ बन चुके हैं, 4,000 कनेक्शंस के बाद में अब देखोगे तो पैकेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, अब नए कनेक्शंस नहीं बनते। अराउंड 4,000 कनेक्शन का इसका लोड था जिसमें 446 कनेक्टेड हैं कनेक्शंस, बाकी ड्रॉप होते जा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने किया परफॉर्म अटैक, मेरे पास तक क्या आ रहा है आपका, आपके में कितने कनेक्टेड दिखा रहे हैं चेक करो, 300 कनेक्शन हो गए, ठीक है? कैन यू सी दैट? हाँ सर, मेरे 247 है, ऑक्यूपाई हो चुके हैं इतने सारे कनेक्शन, अब देखो कितने ड्रॉप होते जा रहे हैं, ठीक है? 1,000 सेकंड के बाद कनेक्शन ड्रॉप होते जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ तुम टाइम आउट और बढ़ा दो, क्यों जल्दी कनेक्ट होंगे, ठीक है? बात समझ रहे हो? अब यहाँ देखो पैकेट्स ड्रॉप होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे-जैसे सब लोगों के रिसोर्सेज कनेक्ट हो गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, मैं इस आईपी को ओपन करता हूँ, ये अटैक्स चलने दो, और अब मैं कहता हूँ कि मैं अगर एक लेजिटिमेट कनेक्शन बना रहा हूँ अब यहाँ से, ठीक है? मेरे बारे में कैश कॉपी हो सकते हो, तो मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, लेट अस जस्ट रिफ्रेश दिस रिक्वेस्ट, ठीक है? एक अनोनिमस खोलते हैं, ठीक है? अब देखो अभी यहां से मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है? एट दिस मोमेंट ये मेरा लेजिटिमेट यूजर है, इज ट्राइंग टू कनेक्ट बट इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर, अब इसको लगेगा साइड डाउन है, ठीक है? क्या लिखा है? दिस साइट कैन बी रीच, नहीं खोल सकते, ठीक है? हाँ कितने 21। बात समझ रहे हो? तो तुम लोगों ने अभी अभी अमेज़न के ऊपर एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया है, अब तुम सब क्रिमिनल, ठीक है? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर एक कम्युनिटी, आप सब अनोनिमस ग्रुप में आ चुके हैं, ठीक है? अब आप छोड़ नहीं सकते, अब नहीं छोड़ सकते, अब तुम रिकॉर्ड हो चुके हो, ठीक है? तो समझ लो मेरी बात, डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस ये ऑटोमेटिकली जितने भी रिसोर्सेस हैं अब वो सारे सर्वर साइड पे ऑक्यूपाइड है, सारे अटैक आसान है, फंडामेंटली पता होना चाहिए बस करना क्या, एवरीथिंग इज इजी। अब भी आज तक तुमने जो किया कुछ डिफिकल्ट लगा है? थोड़ा
इजी है वैसे भी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या मुश्किल थोड़ी है। कल वाला थोड़ा डेप्थ कॉन्सेप्ट था, जब उसमें वो कमांड्स बहुत सारी आ जाती है ना, डीएफ ये सारी, ये वाली, इससे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट पढ़ोगे तो इजी लगेगा। उसका अटैक तो इजी था कल वाले का भी, टाइप किया फाइल में डाला बस काम खत्म। ठीक है, बात समझ लो। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन डोंट मेक नॉइज। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने कुछ कनेक्शंस परफॉर्म किए, इस तरीके से क्या हो सकता है, लिसन टू, स्टॉप कर दीजिए अपने अटैक को, एवरीबॉडी स्टॉप योर अटैक्स। अब जब आप अटैक को स्टॉप करेंगे, एंड स्टॉप कर दिया सभी लोगों ने, इफ आई ट्राई टू ओपन दिस साइट नाउ, एक सेकंड में खुल गई साइट, ठीक है, ऊपर दिखा दे उसमें स्टार्टअप प्रोजेक्ट है एंड द साइट हैज लोडेड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, समझ लो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, तो क्या है कि 4000 कनेक्शंस यानी 4000 यूजर्स को एक बार में मेरा सर्वर हैंडल कर सकता है, ये जो सर्वर हमारा रन हो रहा है इस साइट का। ठीक है, लेकिन अगर हम 4000 से ज्यादा कनेक्शंस बनाते हैं, और अगर हम सिर्फ, अभी तो हम लोगों ने 10-20 लोगों ने पैकेट भेजे, ठीक है, तो जो जब अनोनिमस जैसे ऑपरेशन होते, तो वर्ल्ड वाइड अटैकर्स और सारी कॉम्प्रोमाइज मशीन से रिक्वेस्ट आती है, तो जो कितनी बड़ी रिक्वेस्ट, तो डेटा सेंटर्स बड़े-बड़े फेसबुक जैसे भी ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, समझे, और अटैक बहुत इजी है, इसमें किसी को कुछ करना ही नहीं है। सॉरी, पता भी नहीं पता लगता है, पता लगेगा आईपी से। ठीक है, लेकिन किसका लेजिटिमेट था, किसका अटैक था, इतने सारे लोगों ने कनेक्ट किया है, हु नोस हु वाज द अटैक, समझ रहे हो मेरी बात। इसका प्रिवेंशन, इसका डिटेक्शन मैनुअल नहीं है, इसका ऑटोमैटिक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन करना पड़ता है। इस टूल का नाम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, आईडीएस बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो इंट्रूजन डिटेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे बनाओगे, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, बस सही पता होना चाहिए करना क्या। ठीक है, अब मेरी बात, आप लोगों ने यह देख लिया अटैक कैसे हमने परफॉर्म किया, हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक AWS सर्वर पे किया, ये कोई लोकल मशीन तो है नहीं, एक्चुअल रियल सर्वर है, क्लाउड बेस्ड सर्वर है, हमने उसके ऊपर अटैक किया, साइट बंद हो गई। ऐसे हम किसी के ऊपर भी बंद कर सकते हैं। जितने भी वेब डिजाइनर्स हैं या वेब एप्लीकेशन डेवलप करें, कौन ध्यान रखता है कि डिनायल ऑफ सर्विस है या नहीं, नोबडी। AWS के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट थोड़ी है, सिक्योरिटी हैज टू बी कॉन्फिगर्ड, ओके, द डेवलपर, the manager of that application, they have to have that security mindset ki yaar kal ko attack ho sakta hai, hamari denial ho sakti hai service ki, agar ab jaake hum iski logs check karenge to lagega ki oh bada bahut acha traffic aaya, theek hai, 50,000 logon ne hamari site access kiya, agar iske logs agar koi check karega to log sochenge oh 50,000 people has access, 50,000 mein hum sabse 40,000 connections banaye jisme se kitna load aaya। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बट इस लोड का कोई फायदा है, जितने रिसोर्सेस क्लाउड ने दिए, क्लाउड तो इसके पैसे चार्ज कर लेगा ओनर से कि तुमने 50,000 लोगों को अपना साइट दिखाया, इतने पैसे हम लेंगे। तो क्लाउड के जो यूजर्स हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ साइट को बचाना नहीं है, अननेसेसरी पैसा उनका खत्म हो जाएगा। कोई भी AWS का अगर सर्वर है, अगर हम उसके ऊपर अटैक करें तो वो तो लुट जाएगा ओनर, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर मान लो तुमने किसी को रिकमेंड कर दिया कि AWS ले लो बहुत अच्छा है और उसके ऊपर अटैक हुआ, तो वो एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज़ यहां पे क्या है, पे एज यू गो, जितनी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन होगा उतना ही पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो नाउ दिस सिक्योरिटी थ्रेट इस related somewhere directly to the cost of the infrastructure या cost of the application, ठीक है। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे तो 100% आपको ensure करना पड़ेगा कि चाहे छोटी application है चाहे बड़ी application, आपको इस load को balance करना पड़ेगा। Load balance से ही काम नहीं हो जाएगा, आपको mitigate करना पड़ेगा the denial of service packets, आपको देखना पड़ेगा कि कौन फर्जी connections बना रहा है, डिटेक्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। कई टेक्नोलॉजीज हैं, पैकेट मार्किंग हम करते हैं, ठीक है, पैकेट बिहेवियर्स हम चेक करते हैं, मशीन लर्निंग, अब आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग का काम आएगा। मशीन लर्निंग में पाइथन में आपको ऐसे कोड लिखने पड़ेंगे, जब कोई रिक्वेस्ट आई
तो हम उस रिक्वेस्ट को देखते ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये ऑथेंटिक है या मलिशियस। अगर ऑथेंटिक है तो अलाउ द कनेक्शन, मलिशियस है तो रिजेक्ट द कनेक्शन। क्योंकि हो सकता है एक अटैकर पहले कुछ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट भेजे, बाद में अटैक रिक्वेस्ट भेज दे, तो अटैकर के माइंडसेट के ऊपर है हाउ ही वांट्स टू परफॉर्म द अटैक, समझ रहे हो। तो इट्स अ टर्न की गेम। तो देखो क्या करना है हमें, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। तो अब मैं इसके लिए एक और ऐसा वो बनाने जा रहा हूँ, लेट्स डुप्लीकेट द सेशन। कैप्चा कहाँ बनाओगे? तो यहाँ पे वेब पेज में हमें कहीं कैप्चा डालने की तो जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सिर्फ साइट पर एक्सेस करते हैं कैप्चा से। अभी जो रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा कहाँ लगाओगे? साइट तो खुलेगी ना, कैप्चा तो बाद में आएगा। लोड बैलेंसिंग होती है, क्लाउडफ्लेयर टेक्नोलॉजी है, लोड बैलेंसिंग कहते हैं उसको, ठीक है। लोड बैलेंसिंग ठीक है, तो वो लोड बैलेंसर भी यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसको भी हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई लिंक आया है तो कॉपी हो सकता है, देयर आर इजीली ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल है, वो भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसको बाईपास करते हैं, ठीक है। लेकिन अंटिल एंड अनलेस पैकेट जब तक लोड बैलेंसर फिल्टर नहीं करेगा या कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक हम उसको रोक नहीं सकते। तो रोकना कैसे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी टूल्स हैं जैसे क्लाउडफ्लेयर, एक लोड बैलेंसिंग टूल है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्लाउडफ्लेयर एक डीएनएस देगा, वो डीएनएस तुम अपने वेबसाइट के डोमेन नेम डोमेन मैनेजमेंट में आप डाल दो। जब आपकी साइट ओपन होगी तो पहले वो क्लाउडफ्लेयर के पास जाएगी, वो उसका लोड बैलेंस करके चेक करेगा कि अगर ओवरलोड आ रहा है वहां से उसको कुछ लिंक देगा कि ठीक है भाई आपको अगर साइट पे कंटिन्यू करना है तो आप क्लिक करो, तब जाके आपकी साइट ओपन करेगी। बट इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। थर्ड पार्टी की पहले डीएनएस डालूं, इतना सब कॉन्फ़िगरेशन करूं, यूजर का एक्सपीरियंस खराब करूं, हू लाइक्स इट कि मैं गूगल खोलूं तो उससे पहले कोई और साइट खुले और वो मेरे से पूछे कि क्या सच में गूगल में जाना है? हाँ भाई जाना है, है ना। तो इट्स अ बैंड बजाइंग ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू मेक अ स्मार्ट सिस्टम जिसमें यूजर एक्सपीरियंस खराब ना, भाई जो लेजिटिमेट यूजर है उसको डायरेक्टली एक्सेस हो, जो लेजिटिमेट नहीं है उसको डाटा बाय बाय हो जाए, ठीक है। तो we have to ensure the prevention. तो now we'll see कि कैसे हमें इसको बनाना है। Let's have a look. Stop कर दिया आप भी, आप सभी लोगों ने attack. अब देखो. Now what next we need to do? जरूर पता किया जाएगा। हाँ आएगा, IP आएगा, पूरा properly log होगा, कहाँ से connections आ रहे हैं। I'll show you. Don't worry. ठीक है पता चलेगा, अलग अलग आईपी से आएंगे तो भी पता चलेगा कि कहां से आ रहे हैं। तो बच्चों वाला टाइम है ना, एक ही आईपी से चली जाए सबको पता लग जाए। काम करना चाहिए, चाकू किसी के पेट में घुसाओ चाहे बच्चा घुसाए बड़ा घुसाए आदमी मरता है। किसने किया है वो मत सोचो, किसके साथ हुआ है वो सोचो। जो अटैक करते हैं अपनी मशीन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब घर में चाकू है तो मतलब वो वाली चीज है, अटैक ही तो है वो। घर में कोई चाकू रखना बंद कर देगा, घर में बच्चे को चाकू मार दे, माँ बाप रात में सो रहे बच्चा को मार दे, डेडली आइडियाज दे रहे हो तुम यूट्यूब पे, लाइव चल रहे हैं आप, कैन नो योर इमोशंस, लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मैं सही वाले टेररिस्ट बन रहे हैं, मेरे को भी जेल कराओगे खुद भी जाओगे, ठीक है। चलो सुनो अब क्या है, सो हम इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। इनएक्टिव हो गया, दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ओपन कीजिए अपना, एक और कनेक्शन डुप्लीकेट कीजिए। इस डुप्लीकेट कनेक्शंस पे पहले मैं क्या आपको दिखा देता हूं, मान लो जो अटैक्स आ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। वायरशार्क से भी आप देख सकते हो, इसके भी नेटवर्क स्निफर्स हैं उससे भी आप देख सकते हो, एनकैट एप्लीकेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो,
लेकिन अगर आपको सारे पोर्ट्स पे देखने हैं किस किस पोर्ट पे कनेक्शन आ रहे हैं तो भी आप देख सकते हो टीसीपी डंप चला के जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। सो देयर इज अ टूल, जैसे आप लोगों ने वायर शार्क यूज किया है वैसे एक टूल है टीसीपी डंप, अ कमांड लाइन नेटवर्क इंटरसेप्टर, ठीक है। यू कैन रन टीसीपी डंप ऑन द इंटरफेस ETH 0। टीसीपी डंप यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अब जो भी रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है, यू हैव टू रन दैट विद sudo टीसीपी डंप हाइफन इंटरफेस ETH 0। अब देखो, अब यहां पे जो भी नेटवर्क पैकेट्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे वायरशार्क काम करता था, बट इसमें तो अननेसेसरी बहुत सारे पैकेट्स भी आएंगे, आप चाहो तो इसको पूरे लॉग करके रख सकते हो, ठीक है, ये एक फाइल बनाता जाएगा उसमें सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही हैं, यू कैन लॉग इट। हाउ वी कैन लॉग इट, इट्स वेरी सिंपल, आपने टीसीपी डंप चलाया जस्ट ये करके वेब लॉग्स डॉट txt, अब जितने भी रिक्वेस्ट आते जाएंगे वेब लॉग्स में सेव होते जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मान लो कभी अटैक हो जाता है तो जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है वो इस लॉग फाइल को पार्स करेगा और तुरंत आईपी एड्रेसेस निकाल लेगा कि किन किन आईपी एड्रेसेस ने जरूरत से ज्यादा कनेक्शंस बनाए, मैन्युअली चेक हो सकता है, इसलिए कभी किसी दूसरे सर्वर पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने चाहे खेल खेल में किया हो दूसरे सर्वर पे अटैक हुआ है और मान लो अगर वो कोई हैवी सर्वर यूज करे उनको अगर कॉस्ट लग गई तुम्हारे अटैक की तो यू आर पेबल, ठीक है, समझ लो, अगर प्रूव हो जाते हुए है, आज डेट में सिक्योरिटी है, लोग करते हैं, लीगल सिस्टम है, नहीं कर सकते ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पिछली बार कहानी याद आ गई, अभी हमने तो अटैक वो साइट वाला करवाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे डायरेक्टर मैडम ने मना किया स्पेशली, अभी पीछे ना, अभी इससे पहले ना हमारी IITM में हुई थी, जिस दिन हमने अटैक करवाया अगले दिन IITM की साइट डाउन, इन्होंने मुझे रात में फोन किया, पर्सनली फिर तुम काम तो वही करो, नाम तो हमारा खराब होगा, करना तुम्हें भी वही है। अरे मैं सिखा रहा था उस दिन लेकिन टाइम ही नहीं मिला, पीछे ना 5 दिन खराब कर दिए इन्होंने, तो फिर वो अटैक स्किप करवाना पड़ा, ठीक है, कोर्स करिकुलम भी पूरा करना है ना, ये देखो, ठीक है, वेब लॉग्स में आप सेव कर सकते हैं, तो यू कैन क्विकली रन इट। अब क्या है, इट्स लिसनिंग ऑन ईथरनेट 0 और अब जो भी कनेक्शन आते जाएंगे वो इस weblogs.txt के अंदर जाके सेव होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइल कमांड रन कर दी, छोड़ दिया, अब जितने भी कनेक्शन आते जाएंगे वेब ब्लॉग्स के अंदर सेव, अब आप इसको कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इन वेब ब्लॉग्स को। मैंने अभी कंट्रोल सी किया, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं वेब ब्लॉग्स का कंटेंट, नैनो वेब ब्लॉग्स डॉट txt, ठीक है, तो ये देखो अब यहां पे दिखा रहा है साफ साफ कि इस टाइम पे इस आईपी एड्रेस ने एक पैकेट भेजा है मुझे वेब ब्लॉग्स के अंदर। अब तुम्हारे पास पूरे रिक्वेस्ट आते जाएंगे, कौन सा रिसोर्स एक्सेस किया, किस पोर्ट से कनेक्शन आया, क्या सिन रिक्वेस्ट थी, क्या एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट थी, कितने लेंथ का पैकेट था, एवरीथिंग वी कैन गेट। तो जो नेटवर्क मॉनिटर करते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं सर्वर्स के, जैसे फेसबुक है, गूगल है, हर जगह बहुत अच्छी बड़ी नेटवर्क की टीम है, वो इन पैकेट्स को एनालाइज करते हैं, उनका रेगुलर काम ही है। ऑटोमेटिक टूल्स तो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक टूल चला के वो बैठे हुए क्या सब ठीक है, ऐसा नहीं है, they manually analyze each and every packet every day because new attacks are coming each day, samajh rahe ho, facebook ads ke upar bhi aisa hota hai, kai baar aisa hota hai, kisi ne facebook ads chalaye anybody, nahi, facebook ads pe kai baar aisa hota hai ki unnecessary ads ke paise charge hote hain, baad mein kuch dino baad facebook return karta hai ki sorry wo aapka na galti se abuse hua tha, itne paise charge ho gaye, hum itna paisa aapko wapas return kar denge, unhe analyze karna padta hai, warna world wide समझना बहुत जरूरी है।
तो हर चीज लॉग होती है प्रॉपरली विद द आईपी एड्रेस प्रॉपरली विद द पोर्ट नंबर्स टाइम व्हाट यू हैव एक्सेस एवरीथिंग इज लॉग ठीक है सो अब देखो अब हमें करना क्या है सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ आई वॉन्ट टू शो यू कि ठीक है इसको हमें स्टॉप करना है जो कनेक्शन हम अननेसेसरी कनेक्शन बना रहे थे अब हम इसे स्टॉप करना ठीक है स्टॉप करने के लिए इन एवरी लिनक्स सर्वर इन एवरी लिनक्स मशीन देयर इज एन इंटरनल फायरवॉल इनबिल्ट फायरवॉल ठीक है इस इनबिल्ट फायरवॉल का मतलब है इसका नाम है आईपी टेबल्स ठीक है आईपी टेबल्स नाम की एक कमांड है आईपी टेबल्स ठीक है यू कैन क्विकली यूज हाइफन एच आईपी टेबल्स जो आपको दिखा देगा कि व्हाट डू वी हैव इन द आईपी टेबल्स मैनुअल दिखाता हूं इसका यू कैन क्विकली टाइप मैन आईपी टेबल्स लिनक्स में आप किसी भी फाइल का रीडमी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मैन कमांड लिख सकते हैं उसके आगे कोई भी कमांड का आपको अगर मैनुअल पढ़ना है डॉक्यूमेंट पढ़ना है कि कमांड क्या है क्या करती है पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्टली मैन लगाकर उस कमांड के बारे में पढ़ सकते हैं ठीक है ये काफी हेल्पफुल है कमांड को अच्छी तरीके से समझने के लिए तो आईपी टेबल्स कमांड है व्हाट इज एन आईपी टेबल IPv4 IPv6 दोनों के भी पैकेट्स को आप यहां से मैनेज कर सकते हैं इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन टूल फॉर IPv4 IPv6 पैकेट फिल्टरिंग एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये क्या करता है किसी भी पैकेट को फिल्टर कर सकता है दिस टूल हैज एक्सेस टू रीड द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द पैकेट यानी आप देख सकते हो कौन से आईपी से आया कौन से पोर्ट पे आया कितने कनेक्शंस मुझे इसको अलाउ करने हैं ठीक है अगर मुझे इस पैकेट को मार्क करना है कि मुझे सस्पेक्ट पैकेट लग रहा है तो मैं इसको मार्क कर दूंगा फिर मैं उस सस्पेक्टेड पैकेट की एनालिसिस करूंगा ठीक है समझ लो मेरी बात सो काइंड ऑफ दिस तो काफी इंपॉर्टेंट टूल है ठीक है कैसे यूज करेंगे हम आईपी टेबल्स को इसको यूज करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी सर्वर यू डोंट नीड एनी स्पेशल टूल टू डू ऑल दीस थिंग्स जितने भी स्पेशल टूल्स हैं वो सब इन्हीं कमांड्स को बैकएंड पे चलाते हैं बात समझो लेकिन अगर आपको इनबिल्ट टूल्स समझ में आ गए इनबिल्ट कमांड तो आपको कोई दूसरे टूल ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा सिक्योरिटी करने के बात समझ रहे हो इफ यू गेट एक्सेस टू एनी सर्वर यू कैन क्विकली डू इट यू कैन क्विकली प्रोटेक्ट इट ठीक है नाउ लेट्स सी क्योंकि जब ये अटैक वगैरह होते हैं ना तो बहुत क्विक रेस्पॉन्स ही होता है वहां तुम्हारे पास महीने नहीं होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के यू मे बी हैविंग अ फ्यू मिनट्स टू प्रोटेक्ट मिनट्स के अंदर तो पूरे के पूरे सर्वर्स डाउन हो जाते हैं ठीक है इंस्टेंस जी होते हैं मूवीज में दिखाते हैं ना जैसे ओ ये अटैक आ रहा है यहां से वी आर हैक्ड ऐसे दिखाते हैं पुलिस वाले हैक हो गए ठीक है सब होती है हर चीज लॉजिक है सिंपल है नेटवर्क है तो नहीं बस समझना पड़ेगा तुम्हें धीरे धीरे हर चीज ओपन है बस तुम्हें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा ठीक है टूल वाली अप्रोच नहीं गो वहां जाएंगे हो जाएगा पहले फंडामेंटल चीजों को समझना पड़ेगा कई बार बोल चुका मैं स्लाइड को फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है चलो देखो अब क्या है अभी हम क्या करेंगे आईपी टेबल्स यूज करेंगे आईपी टेबल्स यूज करके जो भी पैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास ठीक है हम आईपी टेबल्स के अंदर एक IPv4 पैकेट का एक नया रूल डिफाइन करेंगे पैकेट फिल्टरिंग के लिए कि अगर ऐसे कोई पैकेट्स आ रहे हैं कोई भी आईपी एड्रेस अगर 5 कनेक्शन या 10 कनेक्शन से ज्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे स्टॉप कर उसके पैकेट्स को ड्रॉप कर ठीक है 100 कनेक्शंस बहुत होते हैं ठीक है अगर मान लो तुम्हें कॉलेज के लैब में बैठे हो एग्जाम में दे रहे हो तो भी कितने कनेक्शन बनाओ एक आईपी एड्रेस 100, 200, 500 एक कॉलेज में 1000 इतना ठीक है तो इस तरीके से पर आईपी एड्रेस यू कैन सेट अ लिमिट ओके तो अभी हम यहां पे देखते हैं कि हम वो लिमिट कैसे सेट करते हैं ठीक सो आईपी टेबल की पहले कमांड दिखाता हूं द रेफरेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रूल्स व्हिच यू कैन सी आईपी टेबल्स स्टॉप पैकेट्स फ्रॉम सोर्स आफ्टर 10 कनेक्शंस लेट्स से ठीक है यहां पे एक मुझे यूआरएल दिख रहा है
16 IP table ticks and tips and tricks for system administrators. ये वाला सही है. You have locking yourself instead of very general, you know, of something like this. ठीक है. कनेक्शन लिमिट हम लगाएंगे. एक पैरामीटर होता है कनेक्शन लिमिट. कौन लिमिट करके एक होता है बताता हूँ कहाँ पे है. कौन लिमिट आईपी टेबल कनेक्शन लिमिट. ठीक है लिमिट मैक्सिमम कनेक्शंस पर आईपी एड्रेस. ठीक है ये हम रूल यहां पे डिफाइन करेंगे. अभी ये रूल है इसका. यहां पे क्या कह रहा है हमें कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आईपी टेबल्स. यहां पे हमारे पास तीन चैनल्स होते हैं इनपुट चैनल प्री राउटिंग चैनल और आउटपुट चैनल. यानी कोई भी अगर इनपुट कनेक्शन जो हमारे पास आ रहा है हम उस इनपुट कनेक्शन को कैप्चर करेंगे. हम उसका पैकेट चेक करेंगे क्या वो टीसीपी टाइप का पैकेट है क्या वो सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट है. ये चाहो तो आप सिम इग्नोर कर सकते हो किसी भी टीसीपी पैकेट को आप ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है सिम चाहे तो आप हटा सकते हैं और अगर नया कनेक्शन जब भी बनता है तो एक सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट आती है. ठीक है तो आप सिम रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो हमने चेक किया कि अगर कोई पैकेट हमारे डेस्टिनेशन पोर्ट 80 के लिए आया है डेस्टिनेशन पोर्ट 80 यानी हमारी वेबसाइट अगर कोई हमारी साइट को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम वहां पे एक कनेक्शन लिमिट एक मॉड्यूल है कनेक्शन लिमिट. हम उस मॉड्यूल को यूज करेंगे कनेक्शन लिमिट को और उसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे हाइफन हाइफन कनेक्शन लिमिट अबव 15. ठीक है अगर उसकी कनेक्शन लिमिट 15 से ज्यादा है यानी कोई भी अगर आईपी 15 से ज्यादा कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उस पैकेट को रिजेक्ट कर दो हाइफन जे रिजेक्ट या हाइफन जे ड्रॉप भी आप कर सकते हैं. ठीक है ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं कनेक्शन लिमिट मास्क यू कैन रिमूव नॉट रिक्वायर्ड. आगे जो रिजेक्ट वाला है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं. ठीक है तो अभी हमें एक यहाँ पे रूल लिखना है और या फिर आप रिजेक्ट में टीसीपी रीसेट भी कर सकते हैं. इससे क्या हो जाता है कि उसका टीसीपी कनेक्शन ही रीसेट हो जाएगा. ही विल बी डिस्कनेक्टेड बैक. ठीक है तो दिखाएगा उसको कि नहीं योर कनेक्शन हैज बीन रीसेट. ओके तो इस रूल को अभी हमें लिखना है. तो चलो आप समझ गए क्या रूल लिखना है. लेट्स राइट द रूल. हमने आईपी टेबल्स यूज करनी है. आईपी टेबल्स मैंने डिफाइन कर लिया. अब आईपी टेबल्स में आपको क्या करना पड़ेगा हाइफन हाइफन लिस्ट करके आप करंट रूल्स देख सकते हैं कि अभी कौन से रूल्स डिफाइन हैं. मैंने हाइफन हाइफन लिस्ट किया है जस्ट टू क्विकली चेक बैक इफ आई हैव एनी रूल्स इन द लिस्ट. हाइफी टेबल्स हाइफन एच कर लो यहाँ पे तुम्हें सारे रूल्स मिल जाएंगे क्या क्या हम देख सकते हैं. सो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम है कि हम लिस्ट करना चाहते हैं. हाइफन हाइफन लिस्ट कमांड थी जिससे सारी चेन्स लिस्ट हो जाती है. हाइफन हाइफन लिस्ट रूल्स भी एक कमांड है जिसके थ्रू आप सारे रूल्स चेक कर सकते हैं फॉर ऑल द चेन्स. ठीक है तो मैं एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ आईपी टेबल्स हाइफन हाइफन लिस्ट रूल्स. आया आउटपुट स्लो क्यों हो गया.
sudo लगा दो, use sudo, ठीक है। अब देखो ये हमारे तीन chains हैं, एक है input chain जहाँ पे input के packets आएंगे, एक है हमारी forwarding, एक है हमारी output chain। हमें rule किसके लिए define करना है, जो packet हमारे server में आएंगे, जो input packets होंगे, उनके लिए मुझे rule define करना है, ठीक है। रूल डिफाइन करने के लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनपुट चेन को यूज करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, sudo ip tables hyphen hyphen list rules, ठीक है। अब अगर लिस्ट रूल्स देखोगे तो अभी कोई रूल नहीं है, बस तीन रूल यहां पे लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट ऑल द इनपुट पैकेट्स, एक्सेप्ट ऑल द फॉरवर्ड पैकेट्स, एक्सेप्ट ऑल द आउटपुट पैकेट्स, सब कुछ एक्सेप्टेड है, कोई टेंशन नहीं, कूल सर्वर है, ठीक है, सब एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टार्ट करनी है कि क्या रूल, ठीक है। तो हम अब एक रूल बनाएंगे यहाँ पे, आईपी टेबल्स हाइफन ए इनपुट, जो भी इनपुट पैकेट्स आ रहे हैं, मैं इनपुट चेन के लिए एक रूल बनाने जा रहा हूं। क्या वो गुप्ता जी है, कहाँ हो, प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो क्या? IP tables hyphen A input, ठीक है, hyphen P TCP, TCP packets को हम पकड़ेंगे, इन TCP packets में आप type of packet भी define कर सकते हैं, hyphen hyphen double option, ठीक है, पर हम चाहें तो ignore कर देते हैं, अभी हम सारे TCP packets को देखते हैं, ठीक है, TCP packets को हम देखेंगे, otherwise if you want, आप synchronize request define कर सकते हैं यहाँ पे, कि जितनी भी same requests आ रही, जब भी कोई नया कनेक्शन बनेगा डेफिनेटली उसका सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट आएगा ही है, तो आप सिर्फ उस चीज को पकड़ सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई नया कनेक्शन मेरे साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ भेज रहा है, तो आई एम गोइंग टू फिल्टर द पैकेट एंड आई एम गोइंग टू चेक कि अगर ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर इसके कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्शन बन चुके हैं तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से टीसीपी कनेक्शन है हाइफन फॉर द डेस्टिनेशन पोर्ट, कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए, आप 1 to 65,535 सारे पोर्ट्स के लिए भी रूल डिफाइन कर सकते हैं एक ही बार, आप सिंगल भी डिफाइन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर पोर्ट इज 80, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर पोर्ट इज 80, तो हमने पोर्ट नंबर 80 डिफाइन कर दिया। इसके बाद में आपको एक मॉड्यूल डिफाइन करना है, हाइफन एम कॉन लिमिट, कनेक्शन लिमिट, कॉन लिमिट कहते हैं, मैं ओपन ओपन ही भी कर लेता हूँ उसको, तो तुम लोगों को रिलेटिव मिल जाएगा, ठीक है। आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड फ्रॉम दिस यूआरएल, लेट मी शेयर दैट विथ योर मेंटर्स कार्ड आल्सो, लिमिट मैक्सिमम कनेक्शंस पर आईपी, ठीक है। अच्छा एक काम चेक कर रहा कि सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट से पहले टीसीपी में ना हमें डेस्टिनेशन पोर्ट भी एक ऑप्शन है, हाइफन हाइफन डी पोर्ट लगाना पड़ेगा, टीसीपी पैकेट के अंदर ये सिंक्रोनाइज और ये डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, इसके ऑप्शन वो डिफाइन करना पड़ेगा, डबल से डिफाइन करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन डी पोर्ट 80। फिर मॉड्यूल है हमारा कनेक्शन लिमिट, इस कनेक्शन लिमिट के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं उसका, कि कनेक्शन लिमिट अगर अबव है लेट्स से 10 पैकेट से ज्यादा है, 10 कनेक्शन से ज्यादा है तो हम ड्रॉप कर देंगे। तो अब जब आप डिनायल ऑफ सर्विस करोगे तो आपको कनेक्टेड 10 दिखाएगा, बाकी सब ड्रॉप पर आईपी है, ओके, कनेक्शन लिमिट, ठीक है। तो हाइफन जे, दिस इज द डिसीजन, ठीक है, ये हमारा डिसीजन है, हाइफन जे, इधर यू कैन ड्रॉप और यू कैन रिजेक्ट, सो आई एम गोइंग टू से आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दिस पैकेट, ठीक है, हाँ कैपिटल में लिखो ज्यादा अच्छा है, रूल्स हैं, ठीक है। sudo ip tables इनपुट में जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं, अगर वो पैकेट टीसीपी टाइप के हैं और सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट है, और अगर वो रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे आ रही है,
तो मैं एक कनेक्शन लिमिट डिफाइन करूंगा, और अगर कनेक्शन लिमिट 10 से ज्यादा है तो मैं उस पैकेट को रिजेक्ट करूंगा। क्लियर? रूल क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, इसी सर्वर के लिए जो हमारा कार्य लिंक सर्वर है, अभी हमारे इस आईपी एड्रेस जो हमारा सर्वर आईपी एड्रेस था इसके लिए ये रूल डिफाइन हो जाएगा 13.252। ये 13.252.50.238 जो सर्वर है ये उसका एक्सेस है। ठीक है, अब इस सर्वर पे जितनी भी वेबसाइट्स होंगी सबके लिए ये रूल डिफाइन होगी, ये सर्वर ही प्रोटेक्टेड है पूरा। क्या क्या सर? हाँ, पोर्ट 80 पे सारी साइट्स होती हैं। एक्चुअली सर्वर है वहाँ पे, तो एक सर्वर पे तो आप मल्टीपल साइट्स होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअली तो जितनी भी साइट्स हैं वो सब प्रोटेक्टेड है। द पोर्ट 80 इज प्रोटेक्टेड, दिस इज अ नेटवर्क रूल। अब ये कंप्यूटर इस वर्चुअल मशीन पे कोई भी अगर पोर्ट 80 पे टीसीपी कनेक्शन आएगा, चाहे वो मेरी वेबसाइट के लिए आया हो, चाहे वो नेटकैट पोर्ट 80 पे जाना हो रहा हो, वहां से कोई कनेक्शन मुझे भेज रहा हूँ, हर जगह के लिए पोर्ट 80 पे अब 10 कनेक्शन अलाउ होंगे एक आईपी एड्रेस। अलग अलग आईपी एड्रेस से ठीक है, बट अगर एक आईपी एड्रेस से है तो मैं कनेक्शन को ड्रॉप करूँ। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स सी, रूल लिखते हैं इसको, एंटर किया। ठीक है, नाउ योर रूल हैज बीन डिफाइंड। तो मैंने क्या लिखा है, sudo ip labels hey import tcp synchronize destination port 80 use the connection limit, if connection limit is above 10 reject the packet. Okay, and now you can see the rule also, sudo ip tables hyphen hyphen list rules। ठीक है, अब आप देखोगे तो पहले आपके पास तीन रूल थे, अब आपके पास चार रूल थे। Your fourth rule is here. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिखाया इसने, कनेक्शन लिमिट मास्ट 32 इसने अपने आप ले लिया है। ठीक है, रिजेक्ट विथ आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, ये कहेगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, साइट इज नॉट रीचेबल, ऐसे दिखाया उस बंदे के लिए जो अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उस आईपी एड्रेस पर। ठीक है, so the rule has been defined. Let us quickly execute. So ये हमारा tool है 238 पे। अब मैं दोबारा इससे connection बनाने की कोशिश करता हूँ। So when I started the attack, अब इसने क्या दिखाया, connected कितने 10। अब हम कितने भी पैकेट भेजें कनेक्शन सिर्फ 10 बनेंगे, अब 10 से ज्यादा कनेक्शन नहीं बनेंगे। तुम लोग भी चलाओ अटैक, देखो कितने आ रहे हैं। ब्राउजर पे चलाऊंगा तो भी, अभी तो खैर मैं सेम आईपी एड्रेस से हूँ तो यहाँ पे भी नहीं खुलेगा। हाँ, ठीक है, तो अब देखो अभी हाथ में अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इट्स स्टिल कनेक्टेड, दिस कनेक्शन विल नॉट बी अलाउड अंटिल वो मेरे कनेक्शन वहां से ड्रॉप हो जाए और मुझे कोई नया कनेक्शन मिल जाए। अब ये रूल है 10 से ज्यादा मैं कनेक्शन इससे नहीं बना सकता, अभी 8 कनेक्शंस ड्रॉप होंगे, मेरे सारे पैकेट्स ड्रॉप होंगे, नाउ आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट, दिखा दे द साइट कांट बी रीच्ड। ओके, क्लियर? बट अगर मैं इस रूल को अगर मैं फ्लश करूं, sudo ip tables hyphen hyphen flush, flush से क्या होता है, जो भी रूल्स हमने बनाए थे वो क्लियर हो गए। दोबारा आई हैव रिमूव्ड ऑल द रूल्स, इफ आई शो यू अगेन, sudo ip tables hyphen hyphen list rules, सो यू कैन सी दैट ओनली 3 डिफॉल्ट रूल्स आर देयर नाउ। और अब अगर मैं इसे एक्सेस करूंगा तो मेरी साइट ये डिनायल ऑफ सर्विस रोकना पड़ेगा। अब वो देख लो वैसे ही 279 कनेक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं, देख लो जैसे ही रूल मैंने डिफाइन किया हटाया। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रोक देता हूं अटैक को, मेरी साइट खुल जाएगी। तो
और क्या आराम से होता है। हाँ तो अभी और भी हैं यार चीजें इसमें, अभी तो तुमने एक तरीका देखा है तो रुकता तो है, लेकिन सबको कहाँ पता है। तुम एक बार बताओ कितनी साइट्स बन रही हैं अभी आज की डेट में। तो रखती हैं उसके काउंटर में जो ढूंढने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कुछ थोड़ी देर पहले, अटैक्स हैं, उनकी सिक्योरिटी है, फिर उनके सिक्योरिटी के ऊपर भी अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस और बहुत सारे तरीकों के, ठीक है, बहुत सारे मिसकंफिगरेशंस होते हैं। तो वही चीज है कि वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करें, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस इज इंडिविजुअली अ सब्जेक्ट विच टेक्स अराउंड अ ईयर टू रीड एनी टॉपिक यू टेक इन सिक्योरिटी। बिल्कुल, अगर हम अलग अलग आईपी एड्रेसेस से भेजेंगे, अगर हम एक कोई भी एक टेम्पररी आईपी जनरेशन जो साइट्स होती हैं उसके थ्रू अगर हम स्पूफ आईपी स्पूफिंग वाली साइट्स के थ्रू अगर हम ले लेंगे तो अननेसेसरी कनेक्शन भेजता रहेगा, तो दैट हैव बीन कॉन्फिगर, दैट्स वेरी इजी। जैसे तुमने एआरपी स्पूफ जनरेट किया था मैक चेंज करने के लिए, वैसे ही एक सिंपल पैकेट तुम आईपी चेंज करके भी कर सकते हो। और उसके लिए देयर इज अ टूल, देयर इज अ कमांड स्केपी। स्केपी इज अ कमांड इन दिस। Using SCAPI, you can create custom tools with custom values. Koi IP, koi port, kuch bhi, farji. Anything you can customize and you can send. SCAPI kya hota hai? SCAPI is a tool. I'll just show you. Manual SCAPI. Theek hai? So it is a packet manipulation tool. तुमने अभी देखा था पैकेट फिल्टरिंग टूल, यहाँ पे पैकेट मैनिपुलेशन टूल। तो अब अगर अटैकर ने वहां पे रूल लिख रखा है तो पैकेट मैनिपुलेशन टूल पे जाओ और नए आईपी एड्रेसेस डाल दो, ठीक है, वो उससे कनेक्शन बना लेगा। तो अटैक है, उसकी सिक्योरिटी भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन सीक्वेंस, ठीक है। स्विच कॉपी पेस्ट, मतलब हाँ ट्रेलो पे डालो, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अच्छा तुम वेब वाले स्टूडेंट नहीं हो क्या? इनसे पूछो, ये बताएंगे कैसे डाउनलोड करते हैं हम, ठीक है। दोनों के कुछ प्रोस एंड कॉन्स है ना, ये कुछ जानते हैं तुम कुछ जानते हो, इनसे भी पूछो थोड़ा, ठीक है। सुनो अभी देखो क्या है स्केपी इज, सुन लो, अरे मिस हो जाएगी कहानी तुम्हारी। बहुत ईजी कमांड है, यू कैन यूज डब्ल्यू गेट and the URL and it will be downloaded on your server, ठीक है। फिर unzip से आप उसे unzip करके command execute कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ एक मिनट का। देखो SCAPI क्या है? SCAPI is a powerful interactive packet manipulation tool. It is a packet generator. It could be act as a network scanner, network discovery करने के लिए, packet sniffing करने के लिए, बहुत तरीके से तुम उसे use कर सकते हो। तुम इसको as nmap यूज कर सकते हो, arp spoof की तरीके से यूज कर सकते हो, as tcp dump यूज कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल अवेलेबल ऑन लिनक्स, SCAPI। कोई भी पैकेट तुम इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का। पर ट्रेस करना मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट होता है बनने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो जाओ SCAPI के बारे में पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड। हिंट ही हिंट है, इसी में लिखा हुआ है, इसी मैनुअल को पढ़ लोगे तो ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिंपल है बहुत यार, कोई भी पैकेट क्रिएट, MAN स्पेस SCAPI, ठीक है। एग्जिट, देयर इज अ कमांड नोन एज EXIT या फिर क्यू टू क्विट। EXIT डालोगे, ओके, हेल्प में होगे तो क्यू से एग्जिट, ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाइयों और बहनों? आया समझ में या नहीं? आ गया ना? ओके, नाउ लेट्स सी। अब तुम्हें SCAPI के अगर पैकेट जनरेशन टूल देखने हैं तो मैं तुम्हें दे देता हूं कुछ जबरदस्त लिंक्स,
Just give me a moment. Okay. My way of search. I'll show you. Okay, control your emotions. क्यों शोर कर रहे हैं? जंगल ओके ये लो मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ स्केपी के अटैक्स की ठीक है अच्छे अच्छे ये भी सही होगा नल बाइट का अच्छा है नल बाइट भी एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है मैंने ऐसे हर चीज के लिए बना रखी सब चीज के ऑटोमेशन टूल्स कौन करेगा रोज रोज गूगल सब होना चाहिए ये देखो सो नाउ अब मैं तुम्हें उस दिन टीसीपी आईपी समझा रहा था अब कोई अगर मेरे से ये पूछे कि आप टीसीपी आईपी समझा रहे हो उससे क्या फायदा है जब तक तुम वो फंडामेंटल्स मैंने कहा है ना नहीं समझोगे तब तक तुम एक्चुअल रियल अटैक्स कभी कर ही नहीं पाओ ठीक है तो तुम उन टूल्स को ही नहीं यूज कर पाओगे जिनके पास तक पावर है उस काम को करने के लिए क्योंकि तुम फंडामेंटल समझते ही नहीं होगे तुमसे अगर कोई टीसीपी आईपी मॉडल पूछेगा तुम बोलोगे डेटा लिंक फिर ट्रांसपोर्ट फिर एप्लीकेशन फिर फिजिकल ऐसे काम कैसे चलेगा है ना कौन मुझे बता सकता होता है टीसीपी आईपी मॉडल इसी बात पे पूछ लेते हैं क्योंकि आया है अंडरस्टैंडिंग टीसीपी आईपी ये देखो सबसे पहला लिखा हुआ है अगर स्केपी से आपको अगर फेक पैकेट्स जनरेट करने हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज समझनी पड़ेगी यू हैव टू अंडरस्टैंड टीसीपी आईपी ठीक है बताओ मुझे कौन बता सकता है टीसीपी आईपी क्या है यस लेयर बताओ लेयर लेयर्स बताओ तुम्हें पता है ना लोगों तुम लोगों मुझे पता है तुम्हें पता है और कौन बता सकता है रेज योर हैंड जो मुझे बता सकता है टीसीपी आईपी क्या होती है एनीवन 1 2 3 जो सीक्वेंस में बता सकता है पूरा नहीं यार पांच लेयर्स है सिंपल और तुम नहीं फिर भी नहीं पढ़ा तुमने इतना उस दिन दलील करने के बाद भी तो तुम्हारे ऊपर तो उस दिन बहुत टाइम वेस्ट किया है तुम बता सकते हो ते एक ही लड़का कंसिस्टेंट है एक्चुअली ठीक है एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्किंग लेयर डाटा लिंक लेयर और सर्किट क्या बात ये ऐसा जवाब चाहिए ठीक है सो दिस इज इट अब क्या है ना समझोगे जब टीसीपी आईपी को तब तुम आगे समझ पाओगे कि हाउ इजी इट इज टू क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ पैकेट्स अब जब तुम लेयर समझोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि किस लेयर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमें मॉडिफाई करनी है टू परफॉर्म दैट ठीक है फिर तुम क्या कर सकते हो ना यहाँ पे ही रैंडम कमांड लाइन टॉर ब्राउजर तुम यूज कर सकते हो ठीक है टॉर ब्राउजर कितने लोगों ने यूज किया 1 2 3 4 5 यूज किया यूज किसने किया ये है ना यूज ठीक है टॉर ब्राउजर्स का क्या हुआ तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नेचुरली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से तुम्हें कनेक्ट करता है टोटल ओनियन राउटर तुम जितने बार भी कोई नया कनेक्शन बनाओगे हर बार नया आएगा
कभी ताइवान का, कभी इजिप्ट का, कभी यूएस का, ऑटोमेटिक लॉन्च भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, जस्ट यू नीड टू इंस्टॉल इट। दूसरा, विंडोज के साथ करना है, विंडोज के अंदर ही एक कमांड होती है। तुम्हें क्या लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है? ये सब बहुत इजी चीजें हैं। विंडोज के अंदर ही यहाँ पे कमांड है, विन एचटीटीपी है या विन एचटीटीपी प्रॉक्सी है? एचटीटीपी प्रॉक्सी, एचटीटीपी प्रॉक्सी, विन एचटीटीपी प्रॉक्सी, क्या नाम भूल गया मैं, ठीक है। इसमें तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दो अपना टॉर और तुम्हारी रिक्वेस्ट लगातार जाती रहेंगे। कमांड लाइन एचटीटीपी, कमांड लाइन एचटीटीपी प्रॉक्सी विंडोज, विन एचटीटीपी कमांड है, नेट एसएच विन एचटीटीपी सेट प्रॉक्सी, और बस प्रॉक्सी का सर्वर नेम डाल दो और पोर्ट नंबर डाल दो काम का, ठीक है। नेटवर्क शेल है यहां पे, इसके थ्रू तुम सब कुछ मैनेज कर सकते हो। नेट एसएच ये कमांड है, एक तो मेरे में पता नहीं आजकल शेल क्यों नहीं है, ठीक है। ये नेट एसएच कमांड है, इसके अंदर है नेट एसएच विन एचटीटीपी, विन एचटीटीपी, ठीक है, ये उसी कमांड है। सेट कमांड से तुम एचटीटीपी की सेटिंग्स को सेट कर सकते हो, तो विन एचटीटीपी सेट, और सेट के अंदर क्या है, तुम प्रॉक्सी सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर विन एचटीटीपी प्रॉक्सी सेटिंग्स। तब चाहे तुम कमांड लाइन से कोई डॉस करो, कुछ भी करो, ऑटोमैटिकली वो बिहाइंड द प्रॉक्सी जाए, समझे। तो ये सब चीजें ना तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ही हैं, तुम्हें बाहर दुनिया में कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। Everything is within your machine only, whether it is Windows or Linux. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ओह जी कॉल ही बहुत खतरनाक है, कोई भी Linux सिस्टम में सब उतना ही है। Exploit tools actually इसलिए होते हैं, वो तुम्हारे काम थोड़ा easy कर देते हैं, थोड़ा time कम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना fundamentals के तुम उनको use कर लोगे, नहीं होगा। कभी कोई connection नहीं बन रहा, कहीं कोई connection loss होगा, तुम्हें लगेगा चलता ही नहीं है, काम नहीं होता, ठीक है, उससे फायदा नहीं है। फंडामेंटली अगर तुम अपने सिस्टम को यूज करोगे बढ़िया तरीके, तो तुम्हारा नॉलेज नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए, सब कुछ यही है। तब देखो प्रॉक्सी सर्वर का, बस तुम्हें प्रॉक्सी डिफाइन करना है, प्रॉक्सी दे दो, पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो, बाईपास तुम पूरी लिस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्री वीपीएन हैं जहां से तुमको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो तुम एक बाईपास लिस्ट बना लो और बस भेजो जितने भी तुम्हें, चाहे तुम कमांड लाइन से बनाओ, चाहे ब्राउजर से कनेक्शन बनाओ, कहीं से भी बनाओगे नया आईपी एड्रेस, ओके। सो यू गॉट इट। सो देयर आर अटैक्स, देयर आर सिक्योरिटी। जब तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये अटैक है, ओ ये तो बढ़िया आसानी से रुक गया, तब दिमाग चलेगा कि अच्छा अब इसका अल्टरनेट क्या है, इस चीज को परफॉर्म, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए माइंड में, तब तुम एक्चुअली पढ़ पाओगे उस चीज, बिना क्यूरियोसिटी के नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? Is that clear? ठीक है, so you guys have done this. यहाँ पे मैंने तुम्हें एक साइट बताई थी samsclass.info, इसके बारे में बता देता हूँ, काफी अच्छी साइट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सिक्योरिटी की, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, पूरे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है। बहुत साल से पढ़ा रहे, मतलब होंगे अराउंड 60 साल का आदमी होगा मेरे ख्याल से, बट द वे ही राइट्स हिज आर्टिकल्स टू गुड, मजेदार, ठीक है। तुम यहाँ पे कोई भी अटैक देख सकते हो, अलग अलग तरीके के यहाँ पे उन्होंने बना रखे हैं, ये एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त, जो मैं कल तुम्हें बफर ओवरफ्लो और वो सब बता रहा था तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस हैकिंग के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के क्या क्या अलग अलग टूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने अलग अलग छोटे छोटे बना रखे हैं सिक्योरिटी के, वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, कुछ अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में ये बोलते भी हैं,
अपकमिंग इवेंट बिसाइड्स में जा रहे हैं, ठीक है, ब्लैक हैट की एक कॉन्फ्रेंस होती है बिसाइड्स अभी इंडिया में होती, फिर आगे ब्लैक हैट एशिया है उसमें ये बोलने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट पढ़ाने वाले हैं जाके वहां पे, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें कल वो पढ़ाया था ना एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट वाला पार्ट कि हम बफर ओवरफ्लो कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, हीप ओवरफ्लोज कैसे होंगी, असेंबलर्स क्या होते हैं, ओली डीबीजी जो हमने यूज किया था वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं है यहाँ पे, बट काफी अच्छा कंटेंट है, ठीक है, वो तुम देख सकते हो, समझ लो, जबरदस्त है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बस सिंपल सिंपल है, जैसे मान लो तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो ऑन लिनक्स पढ़ना है तो तुमने इस चैप्टर टू को ऑन किया, सारे टूल्स रिसोर्सेज लिंक सब इन्हीं के इसी चैप्टर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। ये तो शायद मेरे ख्याल से इन्होंने कैसे स्लाइड टाइप बना रखी है, ठीक है, क्या डीबग है, ठीक है। अब जैसे बेसिक बेसिक कोड्स हैं, पहले कोड बनाएंगे, फिर उसको विद डीबीजी से कैसे हमें उसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, किस ऑफसेट पे क्या आ रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस का देखो, ये डिनायल ऑफ सर्विस सॉफ्टवेयर की डिनायल ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये नेटवर्क बेस्ड नहीं है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे करप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका है डिनायल ऑफ सर्विस, कि वो सॉफ्टवेयर ही एक्सेसिबल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, अगर तुम अपना इंटरेस्ट अगर एक बार बढ़ाओ ना तुम्हें मजा आ जाएगा। सब है यहाँ पे, जैसे मेटास्प्लॉइट वगैरह के लिए है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट के भी अच्छे हैं, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। आधार कोड मॉडिफिकेशन का भी इन्होंने बनाया है, ठीक है, ट्रोजनिंग एन एंड्रॉइड ऐप विथ मेटास्प्लॉइट, जैसे आप लोगों ने किया था कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग ऐप को कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप को तुमने इंस्टॉल किया, व्हाट्सएप को तुम इन्फेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया सब हो जाता है, किसी और को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो डिवाइसेस के साथ किया, एपीके टूल है, एपीके टूल एक रिवर्स इंजीनियर टूल है एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डिकोड करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था एथिकल हैकिंग वाले बच्चों को JDGUI जावा मतलब वो जस्ट डीकम्पाइल OliDBG, वैसा ही एपीके टूल है फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डीबगिंग, ठीक है। तो ये करने के बाद तुम एपीके टूल से उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो और MSF Venom से तुम वो पेलोड बना के, जैसे मान लो तुमने ढूंढ लिया कि कौन सा पेलोड है, ठीक है, अब MSF Venom से तुमने एक बेस APK लिया और अपना पेलोड, जैसे मान लो ये तुम्हारी WhatsApp.apk है, तुमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बेस APK सेलेक्ट कर लिया, फिर पेलोड से तुमने अपना मेटाप्रेटर डिफाइन कर दिया, रिवर्स TCP, एल होस्ट एल पोर्ट तुमने डिफाइन कर दिया और एक हैक्ड एप्लीकेशन तुमने बना लिया। अब क्या होगा, जब तुम रन करोगे तो रन होगी ओरिजिनल एप्लीकेशन, बट पीछे तुम्हारा वायरस चलेगा और तुम्हारे पास सर्वर पर शेल। तो मान लो तुमने कोई अपनी हेलो एप्लीकेशन बनाई या कोई माई प्रोजेक्ट कॉलेज प्रोजेक्ट बना लिया, उसके अंदर तुमने शेल डाल दिया, वो दे दिया किसी को इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल कर लेगा उस एप्लीकेशन, यूज करेगा, वो कहेगा हाँ यार एप्लीकेशन बड़ी बढ़िया है, ठीक है, और पीछे पीछे काम हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट, ये तो आप बना चुके हैं एंड्रॉइड पेलोड, अब आपके लिए सिंपल सा काम है, बस आपको एक बेस APK लेके आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जब ये करोगे अपना सर्वर चलाओगे, ऐसा उसका मेटास्प्लॉइट का शेल आ जाएगा, बस एक्सप्लॉइट करो उसको, ठीक है। ये सब AWS वगैरह यूज किया है, DBN है, बट इन्होंने लोकल सिस्टम के लिए किया है, तुम अपना इंटरनेट के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लूटिंग द फोन, कैमरा निकाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, सिस्टम इन्फो चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैलवेयर डिटेक्शन कैसे बाईपास होगा वो भी है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन, दिस इज अ वेरी नाइस वेबसाइट, ठीक है। और अच्छे खतरनाक लेवल के अगर अटैक्स आपको पढ़ने हैं तो देर इज वन मोर नाइस वेबसाइट IronGeek.com, फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे थे, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हैकिंग के बहुत अच्छे वीडियोज हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बहुत अच्छे वीडियोज हैं, जैसे मान लो ठीक है, इनके पास ना तुम्हें लेटेस्ट लेटेस्ट अटैक्स मिल जाएंगे, क्या आज की डेट में हैकिंग किस लेवल पे चल रही है, बिसाइड्स जो पुराना हुआ था 2019 वाला ना, उसकी वीडियो सीरीज है पूरी, इनके की नोट्स हैं,
ये सब वीडियो बेस्ड है, काफी अच्छे अच्छे बहुत अच्छे रिसोर्स, मतलब इट्स सच अ नाइस रिसोर्स कि तुम कितना भी पढ़ लो काम। ठीक है, अभी देखो AWS सिक्योरिटी एंड सेल्फ असेसमेंट, इन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया AWS से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, सो काफी बढ़िया रिसोर्सेज हैं, ये सब वीडियोस हैं। ठीक है, क्लिक करोगे यहाँ पे उसकी वो आ जाएगी टेक्स्ट कंटेंट, उसका वीडियो नीचे लोड हो जाएगा कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ये वीडियो है उसका। अब ये पूरा प्रैक्टिकल 50 मिनट का अटैक वीडियो है जो कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हैं। तो तुमको क्या है, अब यूएस जाने की जरूरत नहीं है ब्लैक हैट अटेंड करने के लिए, तुम यहीं पे देख सकते हो उनकी वीडियोस। ठीक है, really cool stuff inside of them, and I can't tell you what's inside of them. NSA का ही chief scientist है, and the idea of doing something in software was. But इनको समझने के लिए भाई again. Saying this and feel free to disagree, but as I look at this equation, I think a lot of people think the easiest way to reduce risk is to reduce vulnerabilities. It's like the one variable that. देख चुके हो तो थोड़ा बहुत तो perspective तुम्हारा change हो जाएगा जब तुम चीजों को देखोगे, बट रिसोर्सेस को देखना तो जरूरी है, वो आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको, कई सारे बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेस हैं, आप उनको यूज करें। ठीक है, स्केपी वाला मैंने आपको ये रिसोर्स दिया है, पैकेट कैसे क्रिएट करना है तो बहुत इजी है, आपने शेल के ऊपर एक एक्स वेरिएबल बनाया, आईपी लिया, टीटीएल से आपका एक एक्स पैकेट तैयार हो गया। अब आप इसको टाइम टू लिव वैल्यू इसके अंदर चली गई, सोर्स डिफाइन कर दिया कि इस पैकेट का सोर्स आईपी क्या है। तो अगर आपके विन एचटीटीपी के ऊपर कोई प्रॉक्सी है या कोई प्रॉक्सी की लिस्ट है, उस प्रॉक्सी से लिस्ट उठाओ और यहाँ पे आईपी डालो, तो पैकेट जब कनेक्शन भेजेगा तो दिखाएगा कि मैं तो इस आईपी एड्रेस से, चाहे आप किसी भी आईपी से हो, बट आप जो पैकेट भेजोगे उसमें आप अपना आईपी खुद डिफाइन कर सकते कि मैं किस आईपी से कनेक्शन भेज रहा हूँ, समझ लो। सो अब यहाँ से पैकेट बना लिया, ये सब बिल्ट इन फंक्शन हैं, ये आईपी भेजना है, फ्रेगमेंट्स भेजने हैं, ये देखो इतने तरीके के अलग अलग नेटवर्क पैकेट्स होते हैं। बस एक्स बनाया, आईपी से पैकेट डाला, आईपी डिफाइन किया, सोर्स आईपी सेंड कर दिया, काम करना पैकेट गया, तीन लाइन का काम पैकेट भेजना। बस इसी में ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लगा दो फॉर आई इज इक्वल टू अनलिमिटेड जितना भी वैल्यू है, बस एक लूप चला दो, अलग अलग आईपी से मारता रहे। ठीक है, जैसे एक फॉर तुम्हें मैंने कमांड बताया, फॉर स्लैश एल परसेंट आई इन डू समथिंग, काम कर अलग अलग वेरिएबल्स उठाएगा, भेजता रहेगा। बहुत इजी है ये सारी चीजें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक देखो यहाँ पे इन्होंने ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, इन्होंने यहाँ पे 2000 पैकेट्स भेजने का एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनाया है, 2000 पैकेट्स कैसे हम एक्यू से भेज सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा रिसोर्स है नल बाइट वंडर हाउ टू का, देखो इन चीजों को एक्सप्लोर करो, दैट विल बी प्रीटी हेल्पफुल फॉर यू। क्रिएटिंग फेक पैकेट्स using SCAPI। ठीक है, तो ये दोनों लोगों को ही समझना बहुत जरूरी है, वेब वालों को भी, और SCAPI वगैरह अगर तुम कमांड कंट्रोल कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों के लिए लोग, ठीक है, समझ गए मेरी बात। सो दैट्स ऑल।